गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रूम आप मेरे पीछे का देख ही रहे हो, पहचाना हुआ लग रहा है। मैं आ गई हूँ चेन्नई वापस। अभी गौरव दिवाली में घर आए थे, तो हमारा प्लान था कि उसके बाद में साथ में आ जाऊँगी। तो हम लोग हाँ चेन्नई आ गए। घर तो खैर सब कुछ ठीक था, क्योंकि सफाई होती रहती सब कुछ, तो वो वाला इशू नहीं आता है यहाँ पे कि गंदा होगा, क्लीन करना पड़ेगा। बट हाँ, मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं था। ग्रॉसरीज भी बहुत टाइम से नहीं ली थी, क्योंकि गौरव अकेले थे तो गौरव ने कुछ ऐसा खास लिया नहीं। इसलिए हम लोग सैटरडे को गए थे पास के एक मार्केट में, वहाँ से पूरा राशन वगैरह ये सब कुछ भरवाया। उससे पहले एक बार ही देखा कि घर में क्या ज़रूरत है, तो खैर जब देखा तो पता चला नहीं सब सारा ही ज़रूरत है। हार्डली कुछ चीज़ें हैं जो होगी इक्की दुक्की, बाकी सब कुछ खत्म हो रहा है। तो कल हम लोग गए थे चेन्नई, थोड़ा सा शॉपिंग करा वहाँ से, और मेन शॉपिंग था निकू का। मैं नीचे जाके आपको दिखाती हूँ, बहुत टाइम से पेंडिंग था। जो सारा सामान ला रखा है ना, उसको लगाना है। कुछ तो मैंने लगा दिया था, कुछ रहता है। खैर अभी मैं पी रही थी कॉफ़ी, कॉफ़ी मेरी ख़त्म हो गई है, और हम चलते हैं नीचे। बाप बेटे मज़े कर रहे हैं, गाने चला रखे हैं, और निकू एक राउंड घूम के आ गया है बाहर। तो चलो मैं भी चलती हूँ। साइकिल कहाँ है आपकी? चलो चलो साइकिल चलाएंगे। आज थक गया मतलब थोड़ा नहीं, निको पहले दूध फिनिश करो। तो ये है निको की साइकिल जो हम कल लेकर आए थे। डिकैथलॉन गए थे, अच्छा खासा शॉपिंग हुआ है डिकैथलॉन में। हाय पिट्टू, ये क्या है? साइकिल? निकू की साइकिल है। चलो साइकिल चलाएंगे हम। निकालो बाहर निकालो। अच्छा अच्छा अच्छा, कसल कसल। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। नीचे ये आगे तो बेटा पैडल मारना पड़ेगा। चलो हल्का हल्का सपोर्ट देना उसको। तो ये है निकू की साइकिल, वहाँ पर 3 to 5 years में थी, पर फिर वो बहुत छोटी लग रही थी, तो हमने फिर ये ली जो कि 4 to 6 years में है। पर इसमें इसके बहुत ढंग से पैर नहीं पहुँच रहे, हाफ ही पैडल मार रहा है, और दूसरे एक तो उसको चलानी नहीं आती ना, तो अभी इसका सीखने वाला प्रोसेस शुरू होगा। कल तो इसने काफ़ी अच्छी चलाई डिकैथलॉन में अंदर ही, बट वहाँ तो टाइल्स थी, बहुत सॉफ्ट था, तो वहाँ दिक्कत नहीं आई। यहाँ अब ये थक रहा है, क्योंकि नीचे ऐसा सीमेंटेड है, तो पैडल ज़्यादा मारना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा पैडल मार कर वहाँ तक गया, फिर बोलता है निकू थक गया, तो उसने छोड़ दिया। अभी भी वहीं खड़ा है जहाँ मैं उसे छोड़ कर आई थी, ज़्यादा पैडल नहीं मार रहा है। बस ये। तो मैंने बताया था हमने कल जाकर ग्रोसरीज ली थी, और बहुत सारा सामान था वो सब लगाने के लिए। तो सुबह साइकिल वाइकिल चलाने के बाद हमने यही काम करा। किचन में मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, जिसमें मैं दाल रखती हूँ, और बाकी सामान होता है ना छोटा मोटा जो भी पैकेट्स वाला होता है, सूजी दलिया बेसन दिस दैट नमक चीनी, तो उसके लिए वो अलग से ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं। तो उसी में सारा कुछ सामान मैं डालती गई, कुछ फ्रिज में डालना है, कुछ यहाँ पर डालना है, जो मेरी क्रॉकरी की अलमीरा है उसके नीचे मैंने वो सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं। मीनवाइल गौरव ने पहले निकू को नाश्ता करवाया, और फिर उसको नाश्ता कराकर गौरव ने अपने आप नाश्ता करा, तो सारी चीज़ें साथ साथ निपट गई थी। तो संडे का थोड़ा सा ये फ़ायदा रहता है। Hand in the darkness.
बस अपने को ऊपर लाते हैं, 12:30 हो रहे हैं तो उसे सुला देते हैं एक बार ही। कुछ मेरा नायका से सामान आया है, कल मैंने आते ही उसे ऑर्डर करा था, जो फ्राइडे सेल आता नायका में उससे करा था। कल मैंने एक बॉडी शॉप का बॉडी लोशन लिया वाइट मस्क, और एक ये मोरिंगा बॉडी योगर्ट, तो आजकल 50% ऑफ है। आजकल क्या काफ़ी टाइम से 50% ऑफ चल रहा है, तो 50% वाले प्रोडक्ट्स उठाए हैं मैंने, दोनों ही बहुत अच्छे स्मेल करते हैं। हाँ जी चलो मीनू करें, क्या करेगा निकू? चले नीनू, चलो चलो नीनू, चलो मेरा गोला नीनू, चले हम। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा जो नायका से सामान आया ना उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी, पर मैं नहीं करूँगी, वो करेंगे गौरव, और देखते हैं गौरव उन चीज़ों को पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं कि क्या क्या वो प्रोडक्ट्स है, किस टाइम पे वो यूज़ करते हैं। तो देखें कितना ज्ञान है हमारे पति को। आओ यार जल्दी आओ, काम करना है तुम्हें कुछ, इसी से इधर है। मतलब मेरा इतना प्यारा प्यारा सामान हो तुम ऐसे बेदर्दी से काट रहे हो। तेरा पहला सामान क्या है ये? लिक्विड हाइलाइटर। क्या होता है ये? बैंगर के साथ इसको तो तुरंत डाल दो यार लॉकर में। पढ़ो यहाँ से पढ़ो फ्रंट। नाइका स्ट्रॉप ग्लू लिक्विड हाइलाइटर। किस काम आता है ये? दीवारों को पेंट करने के, हमारे हिसाब से दीवार को पेंट करने का काम आता है। ये नायका का स्ट्रोब एंड ग्लो, और ये है, ये क्या है बताओ? आई शेडो लिखा है। हाँ आई शेडो कहाँ लगाते हैं? हमारे आँखों में लगाएंगे। और आँखों में कहाँ लगाते हैं? अंदर ऐसे? आपने अपने बताओ किधर को लगता है? ये नहीं पहले बताओ। ये नहीं पता यार मेरे को, ये राइस वाटर, यानी कि हमारे यहाँ तो राइस वाटर को मांड भी बोलते हैं, इसको चावल के साथ खाते हैं, बट फेस पे भी लगा सकते हैं। क्या है राइस वाटर, आगे क्या लिखा है? अरे तो वो यार क्लींजिंग करने के लिए। का किस टाइम पे यूज करते हैं इसको? अरे 1200 रुपए का, इसको तुरंत लॉकर में डाल के आ रहा हूँ। तो किस किस कौन से मेकअप में, किस में, किस टाइम पे यूज करते हैं? हमको पता है यार, हमने इसमें कोर्स थोड़ी किया हुआ अभी। ओके तो ये है राइस वाटर ब्राइट लाइट क्लींजिंग ऑयल, ये मेकअप रिमूव करने के टाइम पे काम आता है। ये ठीक है, ये जापानी चेरी ब्लॉसम, जो जापान का मुगल गार्डन है ना, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं चेरी फ्लावर्स हैं, चेरी। हाँ यस। क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या आगे क्या है? अरे जो भी है वो तो स्मेल का नाम है, चेरी ब्लॉसम है तो परफ्यूम है, बट ये मैं बता रहा हूँ जो जापान का मुगल गार्डन है ना, जो जापान का राष्ट्रपति रहता है, अच्छा वहाँ के जो फूल होते हैं, ये है मिस्ट है। मिस्ट और परफ्यूम में फर्क होता है। ठीक है स्मेल करो सर। यहाँ परफ्यूम्स वगैरह यहाँ पर चेक करते हैं। अच्छा है ना? ठीक है। ये मुझे 50% ऑफ में मिला है, इसका ढक्कन लगाओ। अच्छा 50% ऑफ में, फिर भी यार ये लॉकर में जाएगा। लॉकर वाला सामान इधर। अच्छा तुमने ये दोनों नहीं बताया, ये मैंने कल लिया था। ये क्या है बताओ? तो क्रीम यार नॉर्मल, वैसे तो इसमें तो ये लिखा हुआ योगर्ट। हाँ। वैसे तो हम लोग इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है ये है बॉडी लोशन। हाँ ये तो बॉडी लोशन, बीच बीच लिखा हुआ है। बीच ब्राउ गर्ल ब्राउ डिफाइनर बेविश चेस्टनट, ये शेड का नाम है, ये आईब्रोज में लगता है। ठीक है ये क्या है? तो इजी है, पढ़ लोगे आ जाएगा तुम्हें। बॉडी हैंड क्रीम है, हैंड क्रीम। अब ये मत पूछना कहाँ लगाते हैं, ये पता कहाँ लगाते हैं? जब तू थाए बाएं होती है ना, तुम जब मैं ड्रेसिंग खोलता हूँ तो मैं इसमें निकाल के जहाँ जहाँ मिले वहाँ कर लेते हैं। तभी मैं सोचू मेरा खत्म क्यों हो गया है जल्दी। ये मैं अभी एक यूज़ कर रही हूँ, हमेशा मेरे पर्स में रखा रहता है, रोज वाला, इसका फ्रेग्रेंस है, बहुत बहुत अच्छा है ये वाला। क्या ये? हेयर फिक्सर है। हेयर फिक्सर नहीं है ये, ओएसिस का है। ये है एंटी फ्रिज शाइन सीरम, ये हेयर सीरम है मेरा, जो मेरा विकास नगर छूट गया है। क्या ये? राइस समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है चावल। हाँ। मॉइस्चराइजिंग टोनर लोशन टॉनिक हाइड्रेंट। यार इसको तो तुम केमिस्ट्री वाले को बताओगे ना, कोई लैब में लेके जाओगे, वो भी नहीं बता पाएगा ये है क्या।
ये है राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग टोनर लोशन टॉनिक हाइड्रेट। हाँ ये क्या है बताओ? इसका जो बाहर का कवर है ऐसा लग रहा है जैसे घंटा घर में ताले बेचने वाले नहीं होते हैं, उनके होते हैं बाहर से ऐसे। क्या है? शावर जेल, बॉडी लोशन, बॉडी मिस्ट, तीन चीजें हैं इसमें। ये गिफ्ट मिला है प्लम की तरफ से, द पिंक क्रेडिबल ट्रायो। इसमें छोटा सा ये है, एक शावर जेल है, एक बॉडी लोशन है, एक बॉडी मिस्ट है। ट्रैवल फ्रेंडली। नाम पढ़ो उसका, अब बताओ किस काम आता है। ज्यादा महंगा नहीं है तो। हाँ तो नाम पढ़ो। प्लम, प्लम का सामान महंगा नहीं है। सिंपली सिंपली क्लींजिंग बाम लिखा है। ओके, किस काम आता है? बाम लिखा है यार। क्लींजिंग बाम क्या होता है बाप? झंडू बाम पता है मेरे को। तो किस टाइम पे यूज करते होंगे? मुंह धोने के बाद लगाएंगे, गंदे मुंह तो लगाएंगे नहीं। ये मुंह धोने के बाद नहीं होता है, ये जैसे कहीं से आ जाते हैं और मेकअप हटाना है, बस इसको थोड़ा सा लिया और इसे मतलब मेकअप वाले मुंह पे लगा ना, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, मेरे मतलब का ये है, ये भी खत्म हो गया। कभी कभार ये जापानी एक वो इसी का चेरी ब्लॉसम का मैंने एक लोशन मंगाया है, इसके खुशबू सही में अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये दीदी के पास था तो मैंने तभी। तो ये था हमारा नायका का छोटा सा हॉल जो कि गौरव ने दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन। तो अब फिलहाल मैं सामान को रखती हूँ। तो ये दोनों जाएगा उधर वॉश बेसिन वाले एरिया के पास जहाँ पर कि मुंह वगैरह धोना पड़ता है, तो इसे मैं वहीं रखती हूँ। देन ये दोनों मेरा भी एक्स्ट्रा में है, ये वाला भी अभी ये चल रहा है तो इसको मैं यहाँ रख दूँ। तो जो एक्स्ट्रा वाला होता है जो अभी यूज़ नहीं करना था उसको मैं कहीं और रख देती हूँ। देन सेम आई शेडो भी मुझे अभी कहीं के लिए यूज़ नहीं करना है। ये स्ट्रोक क्रीम जाएगी जिससे मेरा मेकअप का सामान रखा है। ये बॉडी योगर्ट अभी मैं निकाल लेती हूँ, इसको मैं भी यूज़ करूँगी। तो ये सब मुझे अभी रखना है तो इसको मैं नीचे वाले ड्रॉअर बना देती हूँ। चलो यहाँ से काम मिलता है, मैं ऐसे बॉक्सेस बना दी। और यहाँ निकू भी उठ गया, अब बिल्कुल सही टाइम पे उठा है वो। हमारा रिकॉर्डिंग का काम भी हो गया और मैं बस यहाँ पर सामान लगा रही थी, थोड़ा क्लीन कर रही थी, तब तक निकू भी उठ गया। गौरव चले गए थे अपने इंटरव्यू के बाद सीधा किचन में, क्योंकि आज छुट्टी कर दी थी कुकी, और गौरव ने बोला मैं खुद ही खाना बनाऊँगा, दाल में चौका लगाऊँगा। तो ठीक है, दाल चावल के लिए गौरव चले गए थे। निकू के क्रॉक्स मंगाए थे ऑनलाइन, वो आ गए हैं दोनों बाप बेटे लेके, तो चलो उसी को खोलते हैं सबसे पहले। ठीक नहीं हुई तो रिटर्न के लिए डालने पड़ेंगे ना वापस। हाँ बेटू, थैंक यू। इसमें क्या है? इसमें तो निकू के क्रॉक्स है। आ जाओ, कब कैट को चैतू, थैंक यू को चैंतू, लोगों का जगह चौ निकल रहा है आजकल। इस घर का कभी उद्धार नहीं हो सकता। पूरा भी क्लीन करा था इसने, देखो क्या करा आपने, गिरा दिया। तो ये आज का खाना पति देव के द्वारा बनाया गया है, और ऐसे संडे तो ना बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये खाना जाएगा निकू को, और इसके बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ खाना खाने के बाद। जय हिंद। अब वो कैसे करते हैं इनको? एक और बार निकू।
एक दो एक एक दो एक एक तो हम आ गए वापस, ड्राइव पे गए थे बाहर, अभी बस आके चेंज कर रहे हैं, बस अभी फेस क्लीन करना है। इसके बाद कल है निकू का स्कूल, कल से हम उसे स्कूल भेज रहे हैं, तो हाँ अब अच्छे पेरेंट्स की तरह हमें भी जल्दी सोना पड़ेगा, तभी सुबह नींद खुलेगी हमारी और इसकी। तो इतना ही था आज के लिए गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।